नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी। ये सरकार बनने के बाद कितनी लंबी टिक पाएगी, सवाल अब तक लगातार उठ रहा है। इस वक्त जो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, शिंदे फडणवीस सरकार में शिंदे गुट के विधायक और देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में जो विधायक हैं उनके बीच मनमुटाव शुरू हो गए हैं। जी हाँ, शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद को लेकर नाराजगी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के समर्थक माने जाने वाले रवि राणा और एकनाथ शिंदे के समर्थक माने जाने वाले बच्चू कडू आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले से आपको रूबरू करवा देते हैं। बीते दिनों रवि राणा ने शिंदे समर्थक विधायक पर सवाल खड़े किए हैं। बिना नाम लिए रवि राणा ने कह दिया, मैं पैसों के पीछे भागते भागते गुवाहाटी तक जाने वाला विधायक नहीं हूं। साथ ही रवि राणा ने कई वर्षों से विकास के मामले में उपेक्षित पड़े अचलपुर में अब तक कोई बड़ा प्रकल्प नहीं आने पर खेद जताया और ये कह दिया कि पहले की सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया था। फडणवीस समर्थक रवि राणा ने गुवाहाटी पहुंचे विधायकों को अप्रत्यक्ष रूप से लालची कह दिया, जिस पर शिंदे समर्थक विधायक बच्चू कडू का बयान सामने आ गया है। बच्चू कडू ने कहा, सही समय आने पर हर बात और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका अपनाते हुए सही समय के आने का हम इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, इस समय राज्य में शिंदे फडणवीस की सरकार है। अमरावती जिले से फास्ता रखने वाले विधायक बच्चू कडू और विधायक रवि राणा इस सरकार में शामिल हैं। दोनों ही सत्ता पक्ष के साथ हैं और ऐसे में दोनों विधायकों के बीच का मनमुटाव शिंदे फडणवीस सरकार के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।